पिता का अपने बच्चों की जिंदगी में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। इस अमूल्य योगदान के महत्व को पहचानने के लिए फादर्स डे विश्व के सभी हिस्सों में अपने पिता को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। इसलिए फादर्स डे कब और क्यों मनाया जाता है, यह जानना हमारे लिए बहुत ही जरूरी हो जाता है। फादर्स डे हर साल जून के तीसरे रविवार को विश्व के भारत समेत विश्व के कई देशों में मनाया जाता है। सबसे पहले इसे जून 1910 में वॉशिंगटन में मनाया गया था। हालांकि इसे आधिकारिक मान्यता 1972 में ही मिल पाई थी। जब पिता को सम्मान देने के लिए इस दिन यूनाइटेड स्टेट में छुट्टी की घोषणा की गई थी। जिस प्रकार माँ का बच्चे के जीवन में महत्वपूर्ण योगदान होता है, उतना ही बराबर का योगदान पिता का भी होता है। अंततः फादर्स डे हमें मौका देता है कि हमें अपने पिता को धन्यवाद, सम्मान और प्रशंसा देने का, जिसकी शुरुआत पिता को फादर्स डे की शुभकामनाएं देकर की जाती हैं। इसके बाद उन्हें उपहार, प्रशंसा में लिखे गए ग्रीटिंग कार्ड दिए जाते हैं। बच्चों का यही कर्तव्य होना चाहिए कि वो अपने पिता के लिए इस दिन को यादगार बनाएं, जैसे कि उन्हें पसंदीदा भोजन खिलाना, अच्छे उपहार देना, उनके साथ समय बिताना और उनकी पसंदीदा अच्छी अच्छी बातें करना, उनकी सेवा करना। ये सब हमें फादर्स डे वाले दिन जरूर करना चाहिए। पिता ही वो शख्स होता है जिसे अपने बच्चों से हारने से सबसे ज्यादा घमंड होता है। दोस्तों, मेरी ये एक बात ध्यान रखना, पिता ही वो शख्स है जो हमें कभी भी ये महसूस नहीं होने देते कि हम गरीब हैं, जब तक कि हमें खुद से समझ ना आ जाए। हम सभी अपने पिता से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन छुप छुप कर, उनका डर, उनका गुस्सा, उनका गुमान, लेकिन सब कुछ छुप छुप कर। लेकिन उसका एहसास हमें तब नहीं होता, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि उसका एहसास भी बहुत जल्द हो जाता है। जब हम 30 या 32 की उम्र में जाते हैं, तब समझ आता है वो सारी चीजें हमारी भलाई के लिए थी। वो जो भी करते थे वो हमारी भलाई के लिए करते थे। उनकी डांट, उनका फटकार, उनका डांटना, उनका फटकारना, उनका दुलार, उनका प्यार, वो सब चीजें, वो सब हमारी भलाई के लिए था। बचपन में हम हमेशा बोलते हैं, मेरे फादर बहुत गुस्से वाले हैं, वो तो हमारी फीलिंग्स को समझते ही नहीं है, और मैं क्या बनना चाहता हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ, उनको इससे कोई लेना देना नहीं है, उनको मेरी कोई भी फिक्र नहीं है। जब बच्चा 7-8 साल का होता है तो वो कहता है, मैं अपने पापा जैसा बनना चाहता हूँ, उनके जैसा सुपरमैन बनना चाहता हूँ। लेकिन जैसे ही 16-17 साल का बच्चा होता है तो वो कहना शुरू कर देता है, नहीं, मैं अपने बिल्कुल भी पापा जैसा नहीं दिखता और ना ही मैं उनके जैसा बनना चाहता हूँ। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है, जैसे ही वो 27-28 साल का होता है बच्चा, तो वो कहना शुरू कर देता है कि मुझ में मेरे पापा जैसा कुछ दिखता है, मैं कुछ कुछ अपने पापा जैसा होता जा रहा हूँ या उनके जैसा बनता जा रहा हूँ। हाँ, मैं अपने पापा जैसा दिखता हूँ और मैं अपने पापा की तरह ही, पापा ने बिल्कुल सही किया था ये काम, और मैं भी किसी भी काम के लिए, वो सोचते हैं उन्होंने बिल्कुल सही किया था, उन्होंने जो मुझे सलाह दी थी वो बहुत अच्छी सलाह थी, मैं भी वैसे ही करूँगा, तो उसको समझ आने लगती है। दोस्तों, ये मेरा एक्सपीरियंस था जो मैं फील करती हूँ, मैंने वो सब आपके साथ शेयर किया। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक जरूर कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।